जब ब्रजवासी सारे दंडवत करने के लिए गिरिराज जी को झुके, कहते उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने अपने अंदर से एक और कृष्ण प्रकट कर दिए, दो स्वरूप प्रकट कर दिए। एक तो सामने ही खड़े हैं और एक स्वरूप अपने ही जैसा श्री गिरिराज जी के ऊपर जाकर के बैठा दिया। लेकिन अंतर कितना है, उस कृष्ण के दो हाथ है जो नीचे है, जो गिरिराज जी के ऊपर उसके चार हाथ है। चतुर्भुज रूप जाकर के, चतुर्भुज रूप लेकर के भगवान श्री कृष्ण ही श्री गिरिराज जी के शिखर के ऊपर जाकर के विराजित हुए। जैसे ही विराजित हुए तो कहते समस्त ब्रजवासी उठे दंडवत करके। तो जैसे ही उठे तो सबने कहा, कन्हैया बोले देखो लाला भैया, अरे ब्रजवासियों देखो, हम सबकी सेवा से श्री गिरिराज बाबा प्रसन्न हो गए और देखो चार भुजा धारण करके गिरिराज जी के ऊपर प्रकट हो गए महाराज। और जैसे ये दर्शन किया समस्त ब्रजवासियों ने कहा, अरे तो कमाल ही हो गया, पहली बार श्री गिरिराज जी का पूजन किया और पहली बार में दर्शन दे दिए, तेरे गिरिराज बाबा तो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, हम सबको पहली बार में दर्शन बोले। हाँ गिरिराज बाबा जो है सुंदर रूप से प्रकट होकर चारों स्वरूप दर्शन करे, वहां गिरिराज जी पहले ही सेवा में प्रसन्न हो गए। और कहते हैं सबने कहा प्रभु भोग रोगो, तो कहते हैं हमारे पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं, क्या कहते हैं, एक रूप से पूजत हैं तो एक से रहे पूजाएं, एक से सुज रहे एक से पूजा रहे, एक ही है कृष्ण, वही पूज रहे और वही पूज रहे। एक रूप से पूजत हैं और एक से रहे पूजाएं, सहस्त्र पूजा लेकिन जब भोग अरोगने लगे तो हजार सहस्त्र नहीं हजारों हजारों भुजाएं श्री गिरिराज बाबा की हो गई। और कहते मांग मांग के लाओ ब्रजवासी, और गिलाओ और गिलाओ। हमारे कुछ पिताजी महाराज कहते सवा लाख मन सामग्री को भोग लगायो है, नख पे धार लियो गिरिराज नाम गिरधारी पायो है। कहते सवा लाख मन सामग्री का भोग लगाया महाराज, कितनी का, सवा लाख मन सामग्री आई ठाकुर जी, अब लगा लो कितनी हो गई, इतनी सामग्री शिखरागा को आई, बड़े बड़े डलिया, बड़े बड़े डलान में एक में लट्टू एक में मोहनदार और बड़ा आइटम ठाकुर जी को आया, एक एक डलिया उठाने खाते जा रहे, एक एक डलिया उठाते खाते जा रहे, इतनी जल्दी जल्दी खा रहे, जल्दी जल्दी खा रहे, जल्दी जल्दी खा रहे। कहते हैं एक बड़ी सखी वो गिरिराज जी को भोग बनाए वाने पर बेचारी भोग ला नहीं पाई, भूल गई। तो कहते हैं गिरिराज जी ने प्रार्थना करी, हे गिरिराज बाबा आप सबको भोग रोकना लेकिन मैं तो लाना ही भूल गई, मेरे तो भरे ही रखो है, गिरिराज बाबा ने की चिंता मत कर, मेरे हजार आंकड़े सब बड़े भी हजाब है। तो कहते हैं गिरिराज बाबा ने अपना एक आंकड़ा इतना बड़ा कर दिया कि उसके घर जाकर भी उसके प्रसाद को पा के आ गया, हां हो गई सखी बाप प्रभु घर जाकर भी पा जाए। अच्छा बिल्कुल जल्दी भी प्रसाद खाने लगे तो एक ब्रजवासी कृष्ण के पास पहुंचा और कृष्ण के पास जाकर पहुंच के बोलने लगा, क्या बोला, लाला हाँ लाला हमें ऐसो लगे हैं कि जे गिरिराज बाबा कई बरसों से भूखे हैं, मतलब देखो कितनी जल्दी जल्दी खा रहे हैं। भाई किसी भूखे व्यक्ति का खाना रख दो जल्दी खाया, उनकी जल्दी से खाओ भूख लग रही है। तो कहते हैं गिरिराज बाबा कई बरसों से भूखे हैं इसलिए जल्दी जल्दी खा रहे, ना ना खान तो आप नहीं इतनी जल्दी जल्दी खा रहे, सारे ये खा जाने दो। बोले क्यों इतनी जल्दी जल्दी खा रहे, ऐसा लग रहा है कि जितना भी सामग्री सब खा जाएंगे हमको प्रसाद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको प्रसाद भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, भला ऐसे ना बोले प्रसाद मिलेगा जरूर मिलेगा, आप ऐसे मत करो। कहते गिरिराज बाबा ने खूब भोग अरोगा, भोग अरोग के जितनी सामग्री पाई उतनी ही सामग्री फिर बच गई, भगवान के हाथों से कभी कुछ घटता नहीं होता। आप कभी ठाकुर जी को भोग लगाते हो एक किलो पेड़ा रखे तो वो एक किलो पेड़ा एज इट इज वापस आ जाते हैं, क्यों, ऐसा नहीं है कि भगवान खाते नहीं, भगवान खाते तो है लेकिन भगवान के हाथों से कोई चीज घटती नहीं है इसलिए वो वैसे ही प्रतीत होती है, खाते तो है लेकिन वो लगता ऐसा है कि घटी नहीं, क्योंकि वो घटना ही नहीं देते, भगवान का काम तो बढ़ाना है घटाना थोड़ा ही, इसलिए भगवान पूरी प्रसादी पाते हैं लेकिन चूंकि भगवान के हाथों से कोई सामग्री घटती नहीं है इसलिए प्रसाद की घटना नहीं है, सेम जैसा होता वैसे ही आ जाता है, लेकिन एक बात बताओ स्वाद बता।